चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा व्हेन द प्राइस ऑफ फीट फॉल बाय 21% पर्सन कैन बाय 10.5 kg मोर वीट फॉर ₹300 देन बिफोर व्हाट इज द प्राइस ऑफ वीट पर केजी आफ्टर द फॉल। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो गेहूं के प्राइस में 21% की कमी होती है उस कारण से एक व्यक्ति ₹300 में 10.5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसकी कीमत क्या है, नई कीमत क्या है प्राइस घटने के बाद में। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको इसको डायरेक्ट कैसे करना है, क्योंकि या तो कीमत घटेगी या कीमत बढ़ने के लिए बोलेगा। जब भी आपसे नया प्राइस पूछेगा तो कुछ नहीं करना, जो अमाउंट दे रखा है पहले उसको आप ऊपर लिख लीजिए, जितना किलो उसे अधिक मिला या कितना किलो कम मिला उसको नीचे डिवाइड कर दी। तो ये 105 और इसका मैं पॉइंट बोला 300 और जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को निकाल दीजिए, 21/100, ये घटा या बढ़ा डजन मैटर, आपको निकाल देना। इससे आपका ये जाएगा ये 21 पंजे और ये 5 6 30, यानी कि जो उसका न्यू प्राइस है वो आपका कितना होगा ₹6। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको एक बार समझते हैं कि एक्चुअली क्या किया है। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि पहले कीमत थी गेहूँ की ₹100 किलो, अब 21% की क्या हुई कमी हुई, जैसे 21% की कमी हुई तो ये कितना होगा आपका 9 और ये क्या हो जाएगा 7, यानी ₹79 पर kg होगी, जिसके कारण एक दुकानदार जो है ₹300 में वो कितना 300 रुपये में 10.5 किलो गेहूँ अधिक खरीदता है। तो ₹300 में 10.5 अधिक गेहूँ खरीदता है, वो किस वजह से खरीदता है, इस 21% की वजह से। तो आप अगर इसका 21% निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बराबर आएगी 10.5 किलो के बराबर आएगी। तो इससे काट देंगे तो ये मेरे पास में 21 × 3 आ जाएगी, बराबर कितने किलो के बराबर है 10.5 किलो के बराबर। तो इससे आप इसे डिवाइड कर दीजिए 105 और ये ऊपर चला जाएगा 0, तो 21 × 5 = 31 यानी ₹6 किलो जो नया मूल्य है वो उसका ₹6 किलो होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।